अभी कुछ ही हुआ कर रहा मैं उधर देखो वो देखो अच्छा अच्छा मेरी बात तो अच्छा मेरी बात सुनो मेरे को हाथ में अच्छा मेरी बात अच्छा मेरी बात सुनो वो देखो सामने देखो पकड़ मत मेरे को मत पकड़ मैं क्या कह रहा हूँ इधर इधर आके बैठो इधर बैठ के आराम से बात कर लो इधर बैठा तू ना समझ जाएगा तेरे को मैं पति हूँ तुम्हारा मेरे से ना दूर है शादी हुई है तुम्हारे मेरे साथ कौन सा भूत आ रखा है तू कौन है कहाँ के हो भाई नाम क्या तेरा नाम क्या है जो भी नाम है मेरा छोड़ मेरे को अरे हैं अब क्या रोके दिखा रहे हैं यहाँ पे गणेश भाई आप कैमरा स्टार्ट करो नहीं भैया वो जा रहा है वो जा रहा है मैं क्या कैमरा क्या नहीं स्टार्ट करो कैमरा क्या नहीं भाई मैं बोल रहा हूं ना स्टार्ट करो कैमरा भैया प्लीज कैमरा मत ऑन करवाओ भैया क्यों नहीं करवाऊं तुझे पता है 6 महीने से 6 महीने हो गए मेरी जिंदगी खराब हो गई नहीं भैया प्लीज भैया नहीं बस कैमरा तो भाई है मेरा छोटा अगर कोई और होता भैया मैं माफी मांग रहा हूं भैया प्लीज माफी अब मांगने का कोई फायदा नहीं है दानिश भैया आप कैमरा स्टार्ट करना इससे पहले पूछ लीजिए इससे क्या पूछूं मैं ये क्या बोलेगा मैं बोल रहा हूं ना आपको माफी मांग तो रहा हूं भैया मैं आपसे माफी मांग रहा हूं अगर तू मुझे पहले बता दिया आज ये नौबत नहीं आती भैया मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब चीजें मैं डर गया था भैया क्या डर गया था मैं तेरे को खा जाता क्या बता दिया होता आज ये नौबत तो नहीं होती ना मेरी जिंदगी खराब होती ना तेरी ना उसकी तो बता 6 महीने से वो कैसे कैसे ड्रामे कर रही है भैया जानता हूँ भैया लेकिन मैं डर गया था जानते हुए जब तुम घड़ी में थे ना सब चीज जान रहे थे कि सामने हुआ था ना? क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कितना बेचारा डॉक्टर के पास ले गया दुआ तावीज कराया झाड़ फूक कराया कुछ हुआ सलूशन नहीं भैया तो बताना चाहिए ना कि असल ये चीज है भैया मैं कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ आपके सामने माफी क्या अरे रोना धोना ना बंद कर यहाँ पे आपको पता कैसे चला कैसे क्या हुआ सारा चीज एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा मैं कैमरा स्टार्ट करवा रहा हूं ठीक है दोस्त क्या भैया भैया चिल्ला रहा है जिंदगी खराब कर दिया इस इंसान का भैया भैया चिल्ला रहे हो दोस्तों मैं एक चीज आप आज बता दूं आप लोगों को कि ये जो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है इसका ये बड़ा भाई है इनकी शादी का लगभग 6 महीने हो गए ना 6 महीने हो गए और जो इनकी वाइफ है वो ना जाने जैसे इनका कहना था कि तरह तरह की ड्रामे कर रही है तरह तरह का वो उसके उसके शरीर पे कभी भूत आ जाता है अरे भूत कभी चुड़ैल कभी कभी जब भी करीब जाऊंगा ऐसे ही बाल वाल सब बिखेर के खड़ी हो जाएगी बताओ क्या होता है क्या कुछ है और आपको पता कैसे चला एक बार डिटेल बताओ भाई ऐसा है ये दोनों ना शादी जब हमारा रिश्ता हो रहा था उसके 1 साल पहले इसका ब्रेकअप हो गया ठीक है ठीक है अब रिश्ता वाले अब रिश्ता तो देखो करना ही था शादी तो अब मुझे तो पता नहीं ये इसकी एक्स है या कुछ भी इनका पहले कुछ मुझे तो पता नहीं कुछ पता नहीं था मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा। घर वालों को भी नहीं पता अच्छा ठीक है उसके बाद शादी वादी हो गई अब शादी हो गई तो करीब तो जाना पड़ता ना मैं तो करीब जाऊँ वो ऐसा दिखाती है मेरे ऊपर भूत चढ़ गई आत्मा चढ़ गई चुड़ैले चढ़ गई और ये इंसान घर में था और ये घर पे था सब चीज देख रहे हैं जब रिश्ता आए थे बात बात करने ये भी वहीं बैठा हुआ था भाई कितना कब तुम लोग कौन से क्लास में थे कॉलेज में थे क्लास में थे क्या और वो आज भी इससे प्यार करते हैं और ये भी इससे प्यार करता है आज भी प्यार करता है आज भी उससे हाँ या ना करता हूँ भैया तो घर पे क्यों नहीं बताया भैया मैं डर गया था कि क्या डर गया था खराब ना हो जाए कितना दिन पहले ब्रेकअप हुआ था क्या हुआ नहीं आप कौन सा साफ रिश्ता है 6 महीने हो गए भैया आप कौन सा अच्छा रिश्ता है ब्रेकअप हो गया हमारा सब कुछ रिश्ता खराब ना हो जाए अब कौन सा अच्छा चल रहा है हमारे रिश्ते में वो तो आज भी तेरे से प्यार करती है पता उसके मैं ताबीज बनवा लिया मौलवी के पास ले गया कि चल कुछ भी होगा झाड़ा पुकी वगैरह करवा दिया हम लोग जबकि जाते नहीं है हम लोग चले गए तो वो अपना झाड़ा पुकी हो जाए मंदिर भी ले गया सब वो कहते बालाजी मंदिर है वहाँ पे भी होता है ये सब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा किसी भी चीज का अच्छा पता कैसे चला कि ये ढोंग कर रही है और वो इसकी गर्लफ्रेंड है कब पता जब मैं उसके करीब जाऊं तब ये ड्रामा शुरू वैसे ठीक रहेगी ठीक नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपको पता कैसे चला एग्जैक्ट कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है पता मुझे ऐसे चला कि घर में तो सब एक जैसे रहते हैं वो मेरे से इतना हंस के खुल के बात नहीं करती जितना इससे हंस के खुल के बात करती अच्छा समझ रहे हो फिर मैंने पता लगाया इन दोनों के बारे में
अच्छा। तो मुझे पता चला कि इन दोनों का कॉलेज मतलब शादी के एक समय कॉलेज में इनका चक्कर था। और आपने इससे उस समय पूछा? मैंने इससे पूछा तभी तो पता चला मुझे सारी डिटेल, तब बताया तभी तो रो रहा है बैठ के, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। सॉरी भैया मैं माफी मांग तो रहा हूँ भैया, अब मैं क्या करूँ भैया? नहीं माफी मांगने से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन भैया ये सब सीन पहले नहीं था, ये एकदम से हुआ चालू, ये मेरे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। नहीं अब जो ये सब चीजें हो रही हमारे घर के अंदर परिवार के अंदर, अब तेरे माफी मांगने से तेरे रोने धोने से ये सब चीजें सही हो जाएंगी तो बता दे मुझे। लेकिन भैया हाँ भैया ये मैं ऐसे करूंगा और ऐसे में ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे करने से ऐसे ठीक हो जाएगा, बता दे मुझे एक बार भी। जिंदगी तो खराब कर दी ना तूने, अपनी भी की मेरी भी की उस लड़की की भी की, और तुम दोनों की नासमझ की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ में मैं इस टाइम चल रहा हूँ। भैया मेरे मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ भैया, ठीक है आप करिए क्या, आप जाइए घर, अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आइए, साथ में लेकर आइए, ठीक है। हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं कैमरा यहाँ पर लगा रहेगा, जब आइएगा कैमरा ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मैं एक लड़का वहाँ पर छोड़ दूंगा। लेकर आइए और बोलिएगा क्या कि चलो आज तुम्हें पार्क घुमाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर भी बोला है थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है, तुम्हारा जो तकलीफ है ना वो दूर हो जाएगा। वही बात है ना, वो मेरे उसके बाद यहाँ पे उसके करीब जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, फिर देखते हैं उसके शरीर पे कैसे भूत आता है और उसका भूत कैसे उतारते हैं। और इस इंसान का गुस्सा इस पे आ रहा है भैया, मुझे इस पे ही गुस्सा, मुझे उस पे क्या गुस्सा आएगा बताओ ना, मुझे इस पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है भैया। मैं माफी मांगता हूं, माफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हो, पहले अगर बोल दिया रहता ना तो कि बड़े भैया आप इससे मत करो, वही चीज है ना। अब जाइए, अब लेकर आइए, कोशिश करता हूँ। हाँ जाइए, अब लेकर पता चले मैं जाऊँ उसको लेने, उसके भी और ये जब यहाँ बैठिएगा ना माइक ये ऑन कर लीजिएगा आप, ठीक। और दोस्तों जो भी चीज़ होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और कैसे उसके शरीर पे भूत आता है, उसके शरीर पे कैसे आत्मा चढ़ता है ना, वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा। मतलब भाई अगर किसी से शादी नहीं करनी है मत करो, किसी का ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब ना करो, एक दो साल की बात नहीं है, पूरी लाइफ भर की बात है, पूरी जिंदगी भर की बात है। जाइए उसको यहाँ पे लेके आइएगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा माहौल है, ऊपर तो देखो कितनी अच्छी चीजें हो रही है ना, बैठो। वो देखो सामने यहाँ पार्क में क्या क्या हो रहा है। वो तो ठीक है, आप मेरे को यहाँ क्यों लाए? मैं इसलिए लाया हूँ, डॉक्टर ने बोला था ना थोड़ा हवा पानी चेंज होना चाहिए, बाहर की ताज़ी हवा मिलनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो पार्क तो मैं ले चलता हूँ, थोड़ा तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा। वो तो ठीक है पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कितने कपल, देखो लड़का लड़की बैठे, वो देखो उधर कैसे किस कर रहे हैं, तो देखो तो सही कैसे किस कर रहे हैं। तो वो करने दीजिए ना, हमें क्या लेना देना उससे, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही है। हाँ तो पता है, तभी तो डॉक्टर के कहने पे तो इलाज तो कराना ही है ना, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, थोड़ा हवा हवा चेंज होगी, ऐसी थोड़ी फिर आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक होगी तो, हाँ ना। और बताओ, मेरे पास मत आइए ना, आपको पता है ना मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं तो बिल्कुल अभी कुछ ही हुआ कर रहा, मैं उधर देखो वो देखो, अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे को हाथ में, अच्छा मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुनो, वो देखो सामने देखो, क्या हुआ? देखो मैं बोल रही ना, मेरे को प्रॉब्लम है, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? हुआ क्या ये तो बताओ, आपको पता तो है फिर भी। मुझे पता है, तभी तो मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारी बीमारी का इलाज हो, थोड़ा हवा हवा चेंज होगी, सब होगा, तभी तो अच्छी चीजें होंगी थी। अच्छी चीजें तो घर पे भी हो सकती है ना, यहाँ जरूर। अच्छा छोड़ो, अच्छा छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं हाथ, अच्छा मैं हाथ तो दो, अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो देखो सामने देखो, उधर देखो सामने कैसे वो कर रहा है वो, है ना, अब एक किस कर दो। मैंने बोला ना मेरे पास मत आइए, मेरे को कुछ हो रहा है, प्लीज मेरे पास मत। क्या हो रहा है? मत आइए ना यार, आपको पता है मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्या हो क्या रहा है, मेरी बात सुनो, मेरे से दूर रहिए प्लीज। यार मेरी बात सुनो यार, मेरे से दूर रहिए ना, मैं हाँ हाँ मैं हाँ मैं दूर हूँ, मैं दूर हूँ, हो क्या रहा है आपको पता है? फिर क्या पूछ रहे हो, क्या रहा है आपको पता? जब मेरे कोई पास आता तो मेरे को भूत आ जाता है। अच्छा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसलिए तुम्हें लेके आया हूँ कि यहाँ एनवायरनमेंट तो अच्छा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
अच्छा मेरी बात सुनो, 6 महीने से हम लोग कितना करीब थे ना, दूरी दूर रह रहे ना, है ना, बात समझो आप किस कर दो एक आओ। क्या हुआ? छोड़ मेरे को। हुआ क्या? तुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बैठो। मेरे को क्यों छोड़ा है यहाँ पे? दूर से। इधर बैठ जाओ, आराम से बैठ, आराम से बैठो इधर। क्यों बैठू मैं? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ, पता है ना मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे को क्यों छू रहा है तू? बार बार मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो मैं छू सकता हूँ ना। कुछ नहीं, इधर आकर इधर बैठो ना, एक मेरे को पकड़ मत, तेरे को मत पकड़। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर इधर आके बैठो, इधर बैठ के आराम से बात कर लो, आराम आराम मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से इधर बैठ के बात हो जाएगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति होगा? मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारा पति हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? समझ नहीं आ रहा, मेरा कोई पति नहीं है। पागल है क्या? मेरे को भी पता नहीं क्या है। तुम्हें मैं सारी ट्रीटमेंट ही तो करवाने आ रहा हूँ। क्यों समझ नहीं आ रहा तेरे को? क्यों दूर रहूँ मैं? लड़की से दूर रह, ये मेरी है, समझा? समझा? शांत, शांति से मिलने का। पागल कर दे मुझे भी। क्या मैं तेरे करीब नहीं आ सकता बिल्कुल भी? क्या क्यों आएगा? भूत भूत चढ़ता ना, मेरा नहीं भूत पड़ा, मेरे से दूर चढ़ा मेरा अंदर ही भूत। मैं बोल रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दूर में। मेरे भूत चढ़ता है ना, ले ले मेरे अंदर, ले 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 मेरे अंदर ही भूत चढ़ गया, ले और बोल, मेरे अंदर ही भूत चढ़ गया, ले मेरे से दूर है, मैं बोल रहा हूँ। जब देखो, जब जब करीब आऊंगा तब तो ये भूत चढ़ जाता है। अब इधर मैं इधर आराम से मेरी बात सुन, बात सुन, अच्छा बात सुन, मेरी बात, अच्छा बात सुन, बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, आराम से बात सुनो, शांति रखो, शांति। मैं नहीं जाऊंगा दूर, नहीं जाऊंगा दूर में। मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरे से ना दूर है, शादी हुई है तुम्हारे मेरे साथ। मेरे से दूर है, भागे चल, भागे चल, जल्दी भाग, मेरे से दूर है। मार ले जितना मारना, मार तू आज, मार ले मुझे जान से, मारते मुझे दूर है। मैं बात सुनो, आराम से मैं बात सुन, दूर है, गला दबा के मार दे, दूर नहीं जाऊंगा मैं, मेरी शादी हो रखी है। इधर मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आराम से लग जाएगी, लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ आराम से। मेरे पास मत आ, अभी बात सुन ले आराम से, मैं तो कुछ समझा रहा हूँ, बात समझ। मेरे पास मत, जाओ यहाँ से, मेरा साथ दुख रहे, जा जोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़। दानिश भाई ले के आओ उसको, ले के आओ, इधर आओ भाई, ले के आओ। कौन सा भूत है भाई? हाँ कौन सा भूत आ रखा है? तू कौन है? कहाँ के हो भाई? तुझे क्यों बताऊँ मैं? कहाँ के भूत हो? तुझे क्यों बताऊँ? कहाँ की भूत हो? हाँ कहाँ की भूत हो? तुझे क्या करना है? नाम क्या है तेरा? तुझे क्यों बताऊँ मैं कौन है तू? नाम क्या है तेरा? नहीं पता मेरे को, जाए से। हाँ छोड़ मेरे को, इधर 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 देख, नाम क्या है? छोड़ मेरे, नाम क्या है तेरा? छोड़। नाम क्या है? जो भी नाम है मेरा, छोड़ मेरे को। हाँ छोड़, पकड़ के रखिए इसका, पकड़ के रस्सी लेके आते हैं इसको ना, बांधते हैं अभी हम इसके शरीर ना, भूत इसका पूरा शरीर से भूत निकालते हैं। आजा 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 आजा, आलतू जलालतू भूत भगालतू। हाँ क्या करो तेरा भूत? हाँ मैं जाऊँ? इधर आ, कहाँ का भूत है? कहाँ का इलाज करा है? हर जगह करवा लिया इलाज,
कौन कौन दरगाह इसको ले गया? दरगाह ले गया हूँ, मंदिर ले गया हूँ। मेरे को क्या करना है? डॉक्टर पास ले गया हूँ। मेरे को क्या करेगी? मेरे को क्या करेगी? मैं जाऊँ? मैं जाऊँ यहाँ से। बोल, भूत आया है? कौन सा भूत है? नाम क्या है तेरा? तुझे बताऊ मैं? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? साले तेरे जैसे का ना यहाँ पे क्या कुछ ना कर दे, हम सारा भूत यहाँ उतार दूं मैं। बोल 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 बोल, कहाँ से आया? कहाँ से आया तू? जहाँ से भी आया हूँ तेरे को क्या नाम? बोल बोल बोल, कहाँ से? कहाँ से बोल, कहाँ से? कौन सा भूत है रे? पकड़ के रखना। कौन सा भूत है रे? कौन सा भूत है? कौन सा भूत है? कौन सा भूत है? बोल 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 बोल, कौन सा भूत है? बोलो। अच्छा कि आज ना इसका पूरा भूत उतरेगा, मेरे पास ही भूत उतरेगा इसका, मेरे पास ही भूत उतरेगा। इसका पूरा खोपड़ी खोलना होगा, इसका ना खोपड़ी। चला जा ऐसे। हाँ चला जा। मैं चला जाऊँ? मैं चला जाऊँ? मैं चला जा, चला जाऊँ, चला जाऊँ। सब कुछ बता दिया हमारे बारे में स्वाति, तुम भी अपना ये ड्रामा बंद कर दो स्वाति। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? हाँ ये मेरा देवर है। देवर है? देवर है? हाँ देवर है कि आशिक है? बैठता यहाँ पे। देवर है कि आशिक है? इसी के लिए नाटक कर रही थी ना, इसी के लिए नाटक कर रही थी ना? अच्छा नाटक कर रही थी ये सब? मैं भूत उत्कृष्ट नहीं था? और मैं पागलों की तरह इधर उधर लेके देखो धक्के खा रहा हूँ। बोल बोल बोल, उतारू उतारू तेरा भूत, उतारू उतारू तेरा भूत। और दिन रात तेरे परेशान रह रहा हूँ मैं। हाँ 6 महीने हो गए हमारी शादी को, भूत आ रहा क्या करूँ मैं तुम्हारा? भूत आ गया ना इसके ऊपर। इधर देख ऊपर, मेरी तरफ इधर देख ऊपर। कोई भूत उठा था? भूत उठ कोई? क्या था रे? क्या ड्रामा था ये सब? क्या था क्या था क्या था? ड्रामा था। क्या था क्या था? बोल ना, कौन है ये तेरा? ए चलो ऊपर, चलो ऊपर कर अपना। चलो रोके रे, रोके क्या दिखा रहा है? हाँ जब बताने का टाइम आया, जब रोने का टाइम आया तो उसे कौन है ये? कौन है कौन है कौन है ये? पहले मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। अब पता चला ना भूत कहाँ से आया? एक्स बॉयफ्रेंड था। आज इसके लिए आज, मैं आज, इतना परेशान रह रहा हूँ, दिन रात एक करो इसके ठीक हो जाइए। ना जाने ये इंसान कहाँ कहाँ नहीं किया, कौन कौन डॉक्टर से ना इलाज करवाया इस भूत को निकालने के लिए। मंदिर लेके जाओ, मौलवी के पास लेके जाओ, इधर लेके जाओ। आपके घर में ये था अच्छी जानते तो हुए ये चीज ये देखता गया। देख ले कहां से कहां की बात, देख ले अब ठीक है, खुश है क्या? क्या बोल 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 अब। तभी मेरे से शादी क्यों करी? मना क्यों नहीं करती उस टाइम? बुला नहीं पाई थी तो ये नाटक, शादी क्यों की ये बता? और शादी की तुम इससे के भाई से ही क्यों की? तुम किसी और से शादी कर लेती, किसी और के घर में जाके नाटक करती, तुम इसी के घर में जाके इसी के भाई के साथ शादी कर ली। पता था इसका बड़ा भाई है, शादी के बाद पता चला मेरे को। नहीं पता चला क्या? करना क्या है दानिश भाई? पहले तो आप ये जो ये एक वीडियो बन रही थी तेरी सारी, दानी भाई ये वीडियो जो रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये वीडियो डालो और जो भी आशिक वाशिक जो भी प्यार मोहब्बत करते हो आप लोग एक दूसरे से, उसको एक्सेप्ट करो यार, अपनी फैमिली को बताओ। कम से कम किसी और की जिंदगी मेरे जैसे लोगों की जिंदगी ख़राब तो नहीं करोगी? बताओ, यहाँ 3 दिन बंदों की ज़िंदगी ख़राब होगी, देख रहे हो आप लोग सब। इसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने परिवार को बताओ अगर प्यार मोहब्बत करते हो तो, या करो मत, ख़त्म करो, और करते हो तो भी हिम्मत रखो आगे बोलने के लिए। दानी भाई आप ये वीडियो डालो, आप इसको डाल दूंगा मैं वीडियो घर पे। क्या करूं यार अब इनका, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ भी। सबसे बड़ा तो ये तो
शादी कर ली, खड़ा हो जाए, वही बैठा रहेगा क्या? अरे तो बैठ, एक काम करते रवीश भाई, इधर बैठ, यहाँ बैठ, इधर हाथ दे, ठीक है? अब खुश रहो, कम से कम बोलते, तू मुझे बोलता तो सही एक बार। भैया मैं डर गया था, भैया मैं डर गया था, अब देख रहे क्या जिंदगी हो गई मेरी, और उसकी इसकी हालत देख, उसकी क्या जिंदगी हो गई है। तुझे बोलना नहीं चाहिए था, इधर मेरी बात सुन, इधर इधर देख, मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, इधर ऊपर, अब देख ऊपर, तुझे बताना नहीं चाहिए था मुझे। घर पे जाके बता दीजिएगा अंकल आंटी, वो बताऊंगा, मम्मी पापा को तो बताऊंगा ना, तभी तो एक्सेप्ट भी होगा। बता दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को सच में जितना हो सके उतना शेयर करना, फैलाना। भाई अगर सच में किसी से प्यार करते हो, निभा सकते हो तो निभा लो, नहीं निभा सकते हो तो भूल जाओ। निभा सकते हो निभाओ, तब जब अपने परिवार वाले को बोलने की हिम्मत रखो। सिंपल है यार, देख लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा और जाके आंटी अंकल को बता दो। हाँ वो करो मैं। चलो अब उठो, उठो अब। थैंक यू दानिश भाई, आपकी मदद की वजह से यार। पैर पकड़। अरे कोई नहीं कोई नहीं, जाओ खुश रहो। और भाई बोलो, समझे ना, प्यार किए हो तो बताओ, हिम्मत रखो, अंदर गट्स रखो। चलो थैंक यू दानिश भाई।